डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। पंजाब में चक्रवर्ती तूफान, कई घरों की छतें उड़ी, पेड़ गिरे, फसलों को भारी नुकसान। चक्रवर्ती तूफान से हिला पंजाब का फाजिल्का, मकानों की छतें गिरने से बेघर हुए लोग, गेहूं की फसल से लेकर किन्नू के पार्कों को पहुंचा भारी नुकसान। इतना ही नहीं, तूफान इतना तेज था कि बिजली के खंभे तक गिर गए। दरअसल गुरुवार देर रात और शुक्रवार दोपहर बाद पूरे पंजाब में बारिश हुई। इस बारिश ने फाजिल्का इलाके में चक्रवर्ती तूफान का रूप ले लिया। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में पूरे सप्ताह बादल छाए रहने और हल्की से बारिश बरसात की संभावना जताई है। तूफान की रफ्तार आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रही होगी। बिजली के खंभे गिर रहे हैं, जगह जगह छत उड़ने से और पेड़ गिरने से 6 से ज्यादा व्यक्ति घायल हो गए। तूफान की जानकारी मिलते ही DSP और फाजिल्का के पूर्व विधायक मौके पर पहुंचे। तूफान में भारी बारिश के साथ काफी बर्फबारी हुई है, पूरा इलाका बर्फ से भर गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि छतें उड़ने से कई लोग छतों के नीचे आ गए, लेकिन गांव वालों की सहायता से उन्हें बचा लिया गया। बाद में घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। नजर डालिए इस भयानक चक्रवर्ती तूफान की तस्वीरों पर। आप वंडर है कि बहुत तगड़ा पिंड बकैण वाला जिला फाजिल्का, दरख्त पट्टी आंदा, लोगों का समान नाल डाई जांदा, किन्ना समान में उड्डिया फिरदा जी। घर तो बिल्कुल नेड़े लग गया, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या उषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।